वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज देखिए, मैं आपको जो बेडशीट लगाना बताऊंगी कि सही ढंग से बेडशीट कैसे लगाई जाती हैं। तो इसमें देखिए, अगर रुई का गद्दा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कैसे भी बेडशीट लगाएंगे तो एक बार खिसकेगी नहीं। लेकिन जब फोम का गद्दा हो तो उसमें कैसी भी बेडशीट लगाओगे तो थोड़ा खिसक जाती हैं। तो आज मैं आपको बेडशीट लगाने का सही ढंग से बताऊँगी ताकि 7 दिन तक आपकी बेडशीट इधर उधर नहीं होगी, अच्छे से जैसी है वैसी रहेगी। तो देखिए, पहले बेडशीट को व्यवस्थित कर दीजिए, यहाँ से सेट कर दीजिए दोनों तरफ। जितना आगे पीछे छोड़ना है उस हिसाब से छोड़ दीजिए। अभी देखिए, ये जो कॉर्नर वाला भाग है, ये कॉर्नर वाला भाग है, उस भाग को आप अच्छे से इधर से कपड़ा पकड़ लीजिए और यहाँ से पकड़ लीजिए, इसको आप सेट कर दीजिए। और देखिए, इसको पकड़ के आप नीचे की तरफ लेके जाइए और यहाँ पे आपको देखिए गांठ लगानी है। देखिए, आप पूरा वीडियो देखिए, बेडशीट बहुत सुंदर लगेगी। ये देखिए, इस टाइप से गांठ लगानी है। इसी टाइप से दूसरी तरफ भी आपको गांठ लगानी है। ये इस टाइप से इधर भी गांठ लगानी है। इधर वाले कॉर्नर पे भी आप इस तरह से पूरा सेट कर दीजिए और फिर यहां से नीचे की तरफ लेके जाइए। देखिए, इस टाइप से करके आपको यहाँ से हल्का हल्का राउंड घुमा देना है, फिर आपको गांठ लगानी है। कॉर्नर पे भी, लास्ट वाले कॉर्नर पे भी इसी टाइप से लगानी है। ये देखिए, मैंने चारों तरफ गांठ लगा दी है। ये देखिए, अभी आप उसको सेट कर दे इस टाइप से। अभी यहाँ का जो बेडशीट का भाग है वो आप अच्छे से उसको नीचे दबा दे, दोनों तरफ से उसको अच्छे से दबा दे। और ये साइड वाला भाग है तो इसको भी आप इसको अच्छे से नीचे की तरफ दबा दे। आप देख सकते हो, देखिए बेडशीट पूरा एकदम टाइट लगी है, बिल्कुल किधर सलवटे नहीं है। और आप देखेंगे, यकीन नहीं मानोगे, आप ऐसा का ऐसा आपकी बेडशीट रहेगी, चाहे बच्चे ऊपर बैठे या कोई भी बैठे, स्लिप भी हो जाए तो जल्दी से बेडशीट ये लूज नहीं होगी। इस तरह से आप बेडशीट बिछाइए, बहुत सुंदर होगी, एकदम टाइट बेडशीट जब फोम का गद्दा हो तो उसके ऊपर के लिए बेहतरीन तरीका है। आपको देखिए, आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। न्यू वीडियो आपके लिए भेजती रहूँगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।